हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम आप सभी विद्यार्थियों के बीच लाइव आ चुके हैं। और आज हम स्पेशली एक मॉडल पेपर लेकर आए, तो आगामी जिन भी विद्यार्थियों का 17 अप्रैल को आर्मी अग्निवीर का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक परखने का शानदार मौका मिल रहा है। यानी इस मॉडल पेपर के माध्यम से आप परख सकते हैं अपनी तैयारी कैसी है, अपने दोस्तों के बीच आपका कंपटीशन अब की बार किस तरह होने वाला है। तो बहुत ही शानदार सेशन लेकर मैं लाइव आ चुका हूँ। तो हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इन्हीं मोटिवेशन पंक्तियों के साथ आज के शानदार दमदार सेशन मैं शुरुआत करता हूं। स्पेशली हमने ये पेपर जीडी और ट्रेडमैन के लिए डिजाइन किया है, तो जो भी विद्यार्थी खास तौर से जीडी और ट्रेडमैन का कोई भी विद्यार्थी है, तो ये पेपर एकदम ईमानदारी से लगाना है। पूरे 50 प्रश्नों का आपका टेस्ट होने जा रहा है और एजे एग्जाम पेपर यानी जो आपका एग्जाम का सैंपल पेपर होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग पूरी टीम ने ये पेपर डिजाइन किए। तो ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, क्योंकि हमें भी पता चले बच्चों की तैयारी कैसी है, बच्चों में कितना कंपटीशन है, ताकि हम एक अनुमान लगा पाए कि भाई अब की बार मेरिट किस तरह से जाने वाली है। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करेंगे। इसमें जीके का पार्ट भी रहेगा, जीएस भी रहेगा, मैथ भी रहेगा और रीजनिंग भी रहेगा, यानी पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट रहने वाला है। दमदार तरीके से तैयार किया गया। चलिए बिना आपका टाइम खराब किए आज के सेशन की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेना चाहेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट जवाब देने की कोशिश करिएगा। प्रदीप नरवाल का संबंध किससे है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रदीप नरवाल का संबंध किससे है। तो एकदम आराम से कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं, काफी सारे बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो एकदम आराम से बता दोगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रदीप नरवाल का संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपको पता होगा कबड्डी से है। प्रदीप नरवाल की बात करें कबड्डी से है। और कुश्ती से बात करें तो एक इंपॉर्टेंट नाम आता है बजरंग पूनिया, तो याद रखिएगा बजरंग पूनिया का संबंध किससे है, तब आपको क्या करना है, कुश्ती यानी पहलवानी से है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट जवाब दो। हम ज्यादा ऑप्शनों पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक पूरे 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लेकर आए। हालांकि काफी सारी हमारी क्लासेज लाइव चलती रहती है, उनमें हम काफी सारे ऑप्शन डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का पेपर स्पेशली डिजाइन इसीलिए किया गया ताकि बच्चों को परखने का एक मौका मिले। तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको बताते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन देर का है, बहादुर शाह जफर, पहले बात कर लेते हैं बहादुर शाह जफर कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। अब बात कर लेते हैं बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी, तो आपको पता है भारत से बाहर कहां, रंगून में हुई थी। और रंगून कहां है दोस्तों, रंगून की बात करें तो वर्तमान में म्यांमार में है। म्यांमार का पहले नाम क्या था, बर्मा था, तो याद रखिएगा बर्मा में है। तो आपके कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी, तो रंगून यानी बर्मा में हुई थी। और बर्मा का वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम की बात करें तो म्यांमार है। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी बताऊंगा। और अंतिम मुगल सम्राट की जब बात आए तो आपको क्या करना है, बहादुर शाह जफर करना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, क्या देर का है, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन है। अब विधि मंत्री बच्चों के समझ में नहीं आता है, विधि मंत्री का मतलब होता है कानून मंत्री, विधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, कानून मंत्री होता है। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो एकदम आराम से बता दो, कानून मंत्री तो आप बता ही दोगे। जैसा कि आपको पता है भारत का संविधान किसके द्वारा बनाए गए, या भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी थी, वो थे बी आर अंबेडकर। तो कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। एक भीमराव अंबेडकर से संबंधित उनकी जो हम बात कर लेते हैं समाधि स्थल है, उनका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नोट कर लो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम क्या है, यह सभी विद्यार्थी नोट कर लो। समाधि स्थल की बात करें तो वो कौन सा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए, तो वो आपका है चैत्रा भूमि। क्या है दोस्तों, चैत्रा भूमि की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम चैत्रा भूमि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार, श्री हर मंदिर साहब किस धर्म से संबंधित है। श्री हर मंदिर साहब की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा स्वर्ण मंदिर का ही नाम है, तो आप बता सकते हो। पहले बात तो बच्चों के ऐसा नाम आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा, साहिब देखते ही पता चल जाता है भी सिख धर्म, साहिब देखते आपको पता चल जाता है। और ये किसका नाम है, आपको पता होगा जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, उसी की बात करें तो नोट कर लो गोल्डन टेम्पल की बात करें, गोल्डन टेम्पल की बात करें, गोल्डन मंदिर की बात करें, स्वर्ण मंदिर की बात करें, जो कि आपको पता है
कहाँ है? अमृतसर में है। आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कहाँ है, तो अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। और आपको पता होगा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यह भी आपको नोट कर लेना है। बात कर लेते हैं गोल्डन टेम्पल कहाँ है। गोल्डन टेम्पल की बात करें तो आपको पता किस धर्म से संबंधित है, तो सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। और गुरु ग्रंथ साहिब, यह क्वेश्चन भी पूछा गया, गुरु ग्रंथ साहिब याद रखिएगा। गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें यह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें तो सिखों का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है याद रखिएगा। और सिखों में कुल 10 गुरु हुए थे, अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। बाद में क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह के बाद आपको ध्यान रखना है गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों में गुरु माना गया, यानी एक प्रसिद्ध पुस्तक है याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, एकदम आराम से बता दोगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको बताऊंगा ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश पहला एक क्वेश्चन आर्मी एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। सबसे पहले सूर्योदय याद रखिएगा, सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले सूर्योदय की बात करें तो वो कहां होता है, सबसे पहले सूर्योदय की बात करें या सूर्यास्त की बात करें तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल, अरुण से मतलब होता है सूर्य, अरुणाचल प्रदेश का मतलब ही सूर्य से रिलेटिव हो गया, तो सबसे पहले सूर्य का यहाँ उदय होता है और सबसे अंतिम में अस्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते, यदि मैं बात करूं तो आपको बताऊंगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। क्या दोस्तों? ईटानगर है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। कोई माँ की बात करे फटाफट कमेंट करके बता दो, कोई माँ किसकी राजधानी है, अमरावती किसकी राजधानी, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है या भारत की इलेक्ट्रॉनिक नगरी की बात करें तब भी आपको बेंगलुरु करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली जो हम बात कर लेते व्यापारिक कोठी थी वो कब खोली थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। प्रथम व्यापारिक कोठी कब खोली थी और कहां खोली थी, तो आपको बताऊंगा कहां का क्वेश्चन आए, तो कहां का आपको क्या करना है, सूरत करना है, आपको ध्यान रखना है। प्रथम व्यापारिक कोठी की बात करें तो सूरत में खोली थी, आपको यह पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूरत की जब बात आती है तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे, यह भी आप नोट कर लो, सूरत शहर की बात करें तो वो ताप्ती नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे दोस्तों, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो सूरत शहर है। और प्रथम व्यापारिक कोठी फटाफट बता दो भी, देखते कौन कौन विद्यार्थी जवाब दे पाएंगे, एकदम आराम से कर लोगे, तो एकदम आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो बिल्कुल जो 1608 बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ये राइट होगा। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, 1600 में हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत तो 1600 में हो गई थी, लेकिन यदि मैं बात करूं पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की बात करें तो 1608 में हुई थी, यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी शहर की बात करें तो असम का एक शहर है, असम का प्रमुख शहर है, असम का क्या है दोस्तों, प्रमुख शहर है याद रखिएगा। गुवाहाटी की बात करें तो असम का प्रमुख शहर है, जबकि असम की राजधानी की बात करूं तो असम की राजधानी तो दिसपुर है, लेकिन गुवाहाटी भी असम का प्रमुख शहर है, और यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब गुवाहाटी है वो किस नदी के किनारे है, तो आपको बताऊंगा गुवाहाटी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अब बात कर लेते हैं भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तब आपको गंगा करना है, और भारत की सबसे बड़ी नदी अपव्यय की दृष्टि से बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत की अपव्यय की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, यह आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, टिहरी बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिहरी बांध की जब बात आती है तो टिहरी बांध आपको बताऊंगा भागीरथी नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अब बात कर लेते हैं नर्मदा की बात करें तो सरदार सरोवर बांध याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध की बात करें तो यह कई बार पूछा गया, तो यह नर्मदा नदी पर है, जबकि सतलुज नदी पर बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध की जब बात आती है तो वो कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महानदी की जब बात आती है तो हीराकुंड बांध याद रखिएगा, हीराकुंड बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, वो महानदी पर बना हुआ है, यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है पर्वतीय स्थल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, पर्वतीय स्थल गुलबर्ग,
गुलमर्ग, गुलमर्ग की बात करें तो वो कहाँ स्थित है? एक आपको बताए पर्वतीय स्थल कसौली के बारे में पूछा जाता है और एक नैनीताल के बारे में पूछा जाता है। नैनीताल की जब बात आती है तो नैनीताल तो सबको पता होगा उत्तराखंड में, नैनीताल की बात है तो आप कर दोगे उत्तराखंड में। और एक होता है पर्वतों की रानी मसूरी, पर्वतों की रानी मसूरी की बात करें, मसूरी को क्या कहा जाता है? पर्वतों की रानी कहा जाता है। याद रखिएगा, पर्वतों की रानी या पहाड़ों की रानी बात करें तो मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। वो आपको बताऊंगा कहाँ है, उत्तराखंड में। एक बता दो पर्वतीय स्थल कसौली कहाँ है? कसौली के बारे में कई बार पूछा गया, तो फटाफट आप कमेंट करके बता सकते हो कसौली जो पर्वतीय स्थल है वो कहाँ स्थित है। आपको पूछा गया गुलमर्ग, गुलमर्ग की बात करें तो यह आपको पता होगा जे एंड के यानी जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। एकदम आराम से क्वेश्चन को आप कर सकते, कई बार पेपरों में पूछा भी गया है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? आपको पता होगा महात्मा गांधी ने अपने जो आश्रम था साबरमती आश्रम, आपको पता होगा साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे था, इस कारण उसको साबरमती आश्रम कहते हैं। और जो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद आपको पता है भारत का मैनचेस्टर कह सकते हैं या भारत का बोस्टन कह सकते हैं, वो आपको पता है साबरमती नदी के किनारे। अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च शुरू किया था वो कहां से किया था, कब किया था? तो साबरमती आश्रम से किया था। आपको होगा तो कब किया था? 12 मार्च 1930 को किया था। कब किया था दोस्तों? 12 मार्च 1930 को किया था। डांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। शुरुआत की बात करें तो याद रखिएगा शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930। और समाप्त, डांडी मार्च की समाप्ति की बात करें तो आपको याद रखना है कब? 6 अप्रैल 1930, यानी इतने दिनों तक यह डांडी मार्च चला था। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक तरह से शुरुआत हम कह सकते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है? अंग्रेजों की आज्ञा का पालन नहीं करना। उसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च से उसकी शुरुआत हुई थी 1930 से। यह सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942, यह भी आप नोट कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 से हुई थी। यह आप सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो प्रथम नंबर पे आपको बताया माउंट एवरेस्ट आती है। कौन आती है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट की जब बात आती है तो ये तो आप प्रथम चोटी की बात करें माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 88.86 मीटर। यह आपको ध्यान रखना है इसकी ऊंचाई। कई जगह लगभग 88-49 आपको लिखा मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आराम से समझ सकते हो। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको ध्यान रखना है। और यदि मैं बात करूं दो नंबर पे तो दो नंबर पे कौन आती है? सेकेंड नंबर पे, याद रखिएगा सेकेंड नंबर पे सबसे ऊंची चोटी की बात करें K2 गोडविन ऑस्टिन है। और ये कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर में, यानी POK में है, ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ है? नेपाल में, ये भी आप नोट कर सकते हैं। और नेपाल में यदि माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इसे सागर माता या सागर माथा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं गुरु शिखर, तो आपको पता है अरावली की जो पर्वत श्रृंखला उसकी ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तब आपको माउंट एवरेस्ट करना है। और कंचनजंगा आती है थर्ड नंबर पे। कितने नंबर पे आती है? थर्ड नंबर पे बात करें तो कंचनजंगा आती है। तो आपको यही तो पूछा है विश्व की तीसरी, ये देखो तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा करना है। दूसरे नंबर पे K2 गोडविन ऑस्टिन आती है, एक नंबर पे माउंट एवरेस्ट आती है जो कि नेपाल में है। और भारत में पूर्णतया स्थित ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, देखो भारत की लिखे तब तो आपको K2 गोडविन ऑस्टिन करना है, क्योंकि ये भारत की है। हाँ, POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में जरूर है, लेकिन इस पर भारत का आपको पता है अधिकार होंगे, बिल्कुल आप फौजी बनोगे और बिल्कुल अधिकार जरूर करेंगे भविष्य में। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 12 नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो वो कौन है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करता है? पहले बात तो भारत का ऐसा राज्य जिसके साथ सर्वाधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है वो एकमात्र, यदि एक की बात करें सर्वाधिक लगने वाले की, तो वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता होगा लखनऊ है, और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, इतना आपको याद कर लेना है। अब बात आ जाती है भी, यदि मैं बात करूं कितने राज्यों की या केंद्र शासित प्रदेश मिला के लगती है, तो 9 की लगती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, जो कि भारत में सर्वाधिक किसी राज्य से सीमा लगती है तो वो आपको उत्तर प्रदेश है, याद रखना है।
चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। यूएनओ, यूएनओ की जब बात आती है तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, फटाफट बता दो, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, आपको बताऊंगा 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 को आपको पता है यूएनओ की स्थापना हुई थी। और यूएनओ में कुल देश कितने वो भी बता सकते हो, जबकि यूएनओ की सुरक्षा परिषद है उसमें कुल देश कितने हैं, सुरक्षा परिषद में सदस्य की बात करें तो याद रखिएगा सदस्य, कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य की बात करें तो 15 है। अब बात कर लेते स्थाई की बात करें तो स्थाई कितने हैं, याद रखिएगा स्थाई 5 है और अस्थाई कितने हैं, याद रखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया कई बार, अस्थाई की बात करें तो आप याद रखिएगा 10 है, यानी टोटल मिला के जो सुरक्षा परिषद है यूएनओ की उसमें 15 देश है, 5 तो स्थाई है और 10 अस्थाई। अब देखो स्थाई में कौन कौन है, मैं बता देता हूँ यूके और यूएसए, मैं बता देता हूँ सभी विद्यार्थियों को कौन कौन है, यूके यूएसए, इसको ऐसे याद रख लो भी, यूके यूएसए आपके याद रह जाएंगे। क्षेत्रफल में बड़ा और जनसंख्या में बड़ा कौन है, रूस और चीन, क्षेत्रफल में बड़ा रूस हो गया और वैसे चीन हो गया, एक देश और कौन सा, फ्रांस ले लो, एक देश कौन सा ले लो, फ्रांस ले लो। तो इस तरह से मैं तो आपको याद करने का थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका बता दिया भाई, कई बार पूछा गया कि पांचों देशों के नाम बताओ तो बच्चों की याद करने में समस्या होती है। तो यूके और यूएसए दो तो ये हो गए, यूके और यूएसए हो गए। अब बात कर लेते हैं, यदि आपको बात करें क्षेत्रफल में बड़ा रूस हो गया और जनसंख्या में बड़ा चीन हो गया तो इस तरह से आप याद रख लो फ्रांस, बिल्कुल फ्रांस भी, आपको 5 देशों के नाम याद रखने, तो देख लो कौन सा मिल रहा है। यदि मैं बात करूं अमेरिका, बिल्कुल ब्रिटेन, बिल्कुल चीन, भारत नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है, ब्रिटेन चीन बिल्कुल, फ्रांस भारत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आगे अमेरिका ब्रिटेन चीन फ्रांस रूस, बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा, एकदम आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, क्या दे रखा है 15 अगस्त को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, 15 अगस्त को कौन सा देश शोक दिवस के रूप में मनाता है, तो यह तो आपको बताऊंगा, यदि मैं बात करूं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय पिता या कह सकते हैं जो एक तरह से किसकी हत्या की गई थी 15 अगस्त को, इसी कारण आपको पता है शोक दिवस के रूप में मनाता है, तो वो देश है बांग्लादेश। आप फटाफट कमेंट करके बता दो बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था, कई बार पूछा गया स्वतंत्र कब हुआ था, तो याद रखिएगा 26 मार्च, कब हुआ था 26 मार्च 1971 को, क्या बता बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं, काफी सारे विद्यार्थी एकदम आराम से क्वेश्चन को फोड़ देंगे, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, अगला है तुर्की व सीरिया, बहुत ही शानदार है, करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दो, तुर्की व सीरिया, तुर्की व सीरिया में भूकंप प्रभावित, अभी आपको पता वर्तमान में तुर्की और सीरिया में क्या था, भूकंप आया था और भारतीयों ने आपको पता बट चढ़कर भारतीय सेना ने वहां सहयोग किया, हेल्प किया। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रों में सहायता हेतु भारत के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया, भारत के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया, तो दोस्ती अभियान चलाया गया, कौन सा दोस्तों, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, ध्यान रखना एक ऑपरेशन मित्र ना कर देना, मित्र मत कर देना, ऑपरेशन दोस्त के नाम से चलाया गया। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा की बात करें, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण की जब बात आती है तो उस समय यदि मैं बात करूं उसका जो कोड वर्ड था, ये था क्या, उसका कोड वर्ड था, ये याद रखिएगा क्योंकि भी आपको पता है प्रथम परमाणु परीक्षण होना था तो उसका कोड वर्ड क्या रखा गया था, याद रखिएगा स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन गंगा, तो आपको याद आ रहा होगा जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, यूक्रेन और रूस का जब युद्ध चल रहा था तो यूक्रेन में जो भारतीय विद्यार्थी फंस गए थे उनको वापस सुरक्षित भारत लाने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ऐसे आ जाए, यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा था रूस और यूक्रेन का, तब जो भारतीय विद्यार्थी वहां फंस गए थे उनको वापस लाने का अभियान का क्या नाम था, तो ऑपरेशन गंगा था, ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है, जो कि आपका साइंस का पार्ट शुरू हो चुका है, 15 क्वेश्चन मैंने आपको जीके के करवा दिए, फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो आपके इन 15 जीके में कितने राइट हुए, अब साइंस में भी मिलाना है, बिल्कुल धैर्य पूर्वक क्लास पूरी देखना है तभी आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, डिप्थीरिया, बहुत ही शानदार ये रोग है आपको पता है, जो एक तरह से इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में कई बार पूछा जाता है, तो डिप्थीरिया की बात करें तो ये किसको प्रभावित करता है, ये आपको बताऊंगा गले को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, गले को प्रभावित करता है। अब आंख से संबंधित रोग कौन से है, मायोपिया हो गया, रतौंधी हो गया, वो आपको पता है आंख को प्रभावित करता है। एक आपको पता दम्मा रोग, दम्मा रोग किसको प्रभावित करता है, याद रखिएगा दम्मा रोग,
दमा रोग की जब बात आती है तो ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको दोस्तों? श्वसन तंत्र को कौन प्रभावित करता है? तो दमा रोग है वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार है। निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? देखो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है, ये आपको बताना है। अब देखो एक आपको बताए, सबसे छोटा पक्षी जो नहीं उड़ सकता, याद रखिएगा सबसे छोटा पक्षी, यह क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे छोटा पक्षी जो उड़ नहीं सकता, जो उड़ नहीं सकता वो कौन है, ये बता दो। एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा पूछ लिया, उड़ नहीं सकता है तो वो कौन है, पहले तो ये बता दो। तो आपको पता होगा वो है कीवी। कीवी कहां पाया जाता है, फटाफट बता दो, कीवी किस देश में पाया जाता है? प्रमुख तौर पर यह पक्षी जो आपको पता है सबसे छोटा पक्षी की बात करें जो उड़ नहीं सकता, तब कीवी करना है। और यदि मैं बात करूं हमिंग बर्ड, तो हमिंग बर्ड आपको ध्यान रखना है सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी। सीधा बात करें, देखो क्वेश्चन दो बनते हैं, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तब तो आपको करना है हमिंग बर्ड, और हमिंग बर्ड का ही दूसरा नाम है गुंजन पक्षी। इसका दूसरा नाम याद रखिएगा गुंजन पक्षी है, तो हमिंग बर्ड की जगह गुंजन पक्षी भी नाम आ सकता है। दो तीन में इंपोर्टेंट बता देता हूं, गुंजन पक्षी की बात करें सीधा क्वेश्चन आ जाए कि भी सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो आपको हमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी करना है। और ये एक इसकी खास विशेषता और भी है, ये उल्टा उड़ सकता है, उल्टी तरफ भी उड़ सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे छोटा पक्षी, और सबसे छोटा पक्षी जो उड़ नहीं सकता है, यह तो उड़ सकता है लेकिन ये है ना जो कीवी ये उड़ नहीं सकता है। और आपको पता है इमू है ना, इमू भी उड़ नहीं सकता है, लेकिन इमू की बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना था ऐसा पक्षी कौन सा है जो उड़ नहीं सकता है। तो नहीं उड़ने वाले दो तीन पक्षियों के नाम याद रखो, एक तो इमू याद रखो, एक कौन सा कीवी, कीवी भी उड़ नहीं सकता है लेकिन कीवी सबसे छोटा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। और यदि सबसे छोटा पक्षी डायरेक्ट बात करें तब हमिंग बर्ड यानी गुंजन चिड़िया करना है, जो कि पीछे की ओर भी उड़ सकती है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, भेड़ की किस नस्ल को भारत का मेरिनो कहा जाता है? अब एक क्वेश्चन तो यहां से यही बन गया, आर्मी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि मेरिनो किसकी नस्ल है, क्वेश्चन ऐसे कई बार आया हुआ है, मेरिनो किसकी नस्ल है? तो मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है। और एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम क्लोनिंग किया गया था उस भेड़ का नाम क्या था, क्लोनिंग करने वाली प्रथम भेड़ का नाम डोली रखा गया था। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भेड़ की किस नस्ल को भारत का मेरिनो कहा जाता है, फटाफट देख लो, तो वो है चोकला नस्ल। कौन सी है दोस्तों? चोकला नस्ल है भारत की, इसको भारत का मेरिनो कहा जाता है। मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है, और मेरिनो भेड़ की नस्ल कहां पाई जाती है फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो, मैंने कई बार आपको बता रखा है। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आप भी रेगुलर टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो हमारा ऐप एडू कृष्णा जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहां आपको आर्मी के पुराने पेपर मिल जाएंगे। डेली 5 से 6 घंटे लाइव क्लासेस चलती है, तो एडू कृष्णा ऐप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है HTML का फुल फॉर्म क्या है? पहले वाले की बात कर लेते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो आपको बताऊंगा HTTP का पूरा नाम है। HTTP का पूरा नाम याद रखिएगा क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब आपको पूछा गया HTML का पूरा नाम, तो आपको बताऊंगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी वाला राइट होगा। अब कई बच्चे थोड़ी सी गलती कर सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट ये मत कर देना, ये टेक्स्ट है, यहाँ टेक्स्ट है, ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। HTTP का भी पूरा नाम पूछा गया, अब जल्दी से बता दो, बहुत ही शानदार मैं बता देता हूँ, देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। HTTP का बता दिया, WWW का पूरा नाम क्या है, WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, एक होता है WAN, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा वेन का पूरा नाम क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, एक बार सभी विद्यार्थी नोट कर लो फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य, पहले बात कर लेते हैं तरंग दैर्ध्य की जब बात आती है तो ये एक तरह की लंबाई होती है। पहले बात कर लेते तरंग दैर्ध्य एक तरह की क्या होती है दोस्तों, लंबाई होती है। और लंबाई का ऐसा ही मात्र क्या होता है, लंबाई का ऐसा ही मात्र का आपको बताऊंगा मीटर होता है, क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है। तो आपको तरंग दैर्ध्य की ऐसा ही कहीं पूछा, इसका मतलब लंबाई का ऐसा ही मात्र का वही तरंग दैर्ध्य का होगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य एक तरह की लंबाई होती है तो मीटर होगा। अब बात कर लेते आवर्ती का ऐसा ही मात्र क्या होता है, तो आवर्ती का ऐसा ही मात्र का आपको बताऊंगा हर्ट्ज होता है। जूल की बात करें तो कार्य या ऊर्जा का मात्र, कार्य या ऊर्जा का मात्र क्या होता है, जूल होता है। डेसिबल की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता, याद रखिएगा
ध्वनि की तीव्रता का मात्रक का आपको पूछता ना, तब आपको डेसिमल करना है, या आपको ध्यान रखना है डेसिबल की बात करे तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक का आपको ध्वनि की तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य सामान्यतः एंगस्ट्रम में मापा जाता है। अब एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है, याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रम कितना मीटर होता है, तो 10^-10 मीटर होता है। यह भी आप सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, कई बार पूछा गया कि उसने कि एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है, 10^-10 मीटर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, जब वर्षा जल का पीएच मान से कम हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जब 5.6 से कम हो जाता है लगभग वर्षा का जो पीएच मान है, वर्षा के जल का पीएच मान, तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, क्योंकि 5.6 से कम होने पर वो अम्ल, जैसे आपको पता है 7 से कम पीएच मान जो भी होता है ना वो अम्लीय होता है, लेकिन यहाँ 7 मत कर देना, नॉर्मली आपको पता है 7 से थोड़ा बहुत कम ही होता है पीएच मान जल का, शुद्ध जल का 7 होता है। अब बात कर लेते हैं जब पीएच मान वर्षा का कितना हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तब हम उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं, यह नोट कर लेना है। और कई बार आ जाता है दंत क्षरण कब शुरू हो जाता है, तो जब मुंह के पीएच का मान है, मुंह के हम बात कर लेते हैं पीएच का मान बात करें, जब 5.6 से कम हो जाता है तो आपको पता है दंत क्षरण प्रारंभ हो जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, रक्त शर्करा का स्तर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, रक्त में जो शर्करा होती है उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा, किसके द्वारा, इंसुलिन हार्मोन। अब बात आ जाती है इंसुलिन हार्मोन का श्रवण कहां से होता है, तो याद रखिएगा अग्नाशय ग्रंथि से होता है, किस ग्रंथि से होता है दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि से होता है, ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, कई बार पूछा भी गया, तो आपको कहे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित क्या करता है, तो वो करता है इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन का श्रावण अग्नाशय ग्रंथि से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे उच्च है, गलनांक सबसे उच्च को किसका है, ऑप्शन आप देखोगे पता चल जाएगा, टंगस्टन, बिल्कुल टंगस्टन, आपको पता है इसका प्रतीक क्या होता है, डब्लू होता है, क्या होता है, डब्लू होता है, और इसका क्या बनाया जाता है, बल्लभ का तंतु बनाया जाता है, क्या भाई, बल्लभ का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि आपको पता है ये एक धातु है जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसी कारण बल्लभ का तंतु टंगस्टन का बना होता है। प्लेटिनम की बात करें सबसे कठोर धातु, याद रखिएगा प्लेटिनम की बात करें सबसे कठोर धातु की बात करें, सबसे कठोर धातु तो याद रखिएगा वो है प्लेटिनम, कई बार आया हुआ है, टंगस्टन मत कर देना, टंगस्टन का गलनांक तो उच्च होता है लेकिन कठोर धातु आपको पूछा जाए तो आपको क्या रखना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्लेटिनम ही माना जाता है, हालांकि प्लेटिनम को यानी जल्द हम बात कर लेते हैं वो पिघल जरूर जाती है, लेकिन यह इसकी कठोर धातु कहा जाता है, सबसे कठोर, यह सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ चुका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अब देखो क्वेश्चन को बिना पढ़े जवाब मत दे देना, एक बार मैं पानी पी लेता हूं, आप फटाफट जवाब दो भाई। फटाफट जवाब दो भाई, एकदम आसान क्वेश्चन है आपको दिया, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, यकृत तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सीधा कहना सबसे बड़ी ग्रंथि, तब आपको क्या करना है, यकृत करना है, लेकिन मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि है, अभी बताया था अग्नाशय ग्रंथि की जब बात आती है तो इससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, जो आपको ध्यान रखना है एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जो सबसे बड़ी है, यह आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं पाया जाता है, अब देखो भाई एकदम आसान क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं पाया जाता है, पहले बात कर लेते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग पाए जाते हैं, रंग कितने, 7 रंग पाए जाते हैं, कितने रंग पाए जाते हैं, 7 पाए जाते हैं, उनका क्रम आप याद रख लो, विबग्योर क्या होता है, विबग्योर होता है, अब देखो विबग्योर होता है ये वायलेट, वायलेट आपको पता है आसमानी हम कह सकते हैं इंडिगो, यानी इस तरह से आप देखो ब्लू यानी नीला हो गया, ग्रीन यानी हरा हो गया, येलो यानी पीला हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, अब देखो कौन सा नहीं है, ब्लैक नहीं है भाई, ब्लैक कलर नहीं है, तो ऑप्शन आप देख लो, काला नहीं होता बिल्कुल, ब्लैक कलर होता है ना वो इंद्रधनुष में नहीं होता, लाल होता है, हरा भी होता है, नीला भी होता है, तो एकदम आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्रम भी आप याद रखिएगा,
कई बार तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है, विबग्योर यानी जो जो इंद्रधनुष में रंग होता है उसका कर्म क्या होता है, तो विबग्योर होता है, ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संवेग की इकाई क्या है। देखो मैं एक बात बता देता हूं, आवेग और संवेग की इकाई समान होती है, आवेग एवं संवेग की इकाई समान होती है, इकाई समान होती है, यह आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा भी गया किनकी जो इकाई है वो समान होती है, तो संवेग और आवेग की इकाई समान होती है। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, यदि मैं बात करूं संवेग क्या होता है, संवेग आपको पता है क्या होता है, एम वी होता है, बिल्कुल होता है। और आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है, संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है। फिर बता देता हूं संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, संवेग में परिवर्तन तो आवेग कहलाता है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है, जबकि संवेग में परिवर्तन की दर, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो संवेग में परिवर्तन की दर की बात करें ना, तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है बल। संवेग में परिवर्तन की दर क्या है, दर का मतलब बट्टे में समय लग गया, और बट्टे में समय लगते ही आपका बल बन जाता है, जबकि संवेग में परिवर्तन सीधा कहे तब आपको क्या करना है, आवेग करना है। यह सभी विद्यार्थी नोट कर लो, तो इसका मात्र क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है, क्योंकि आपको पता है जो आवेग होता है वो बल गुणा समय होता है, आवेग आपको पता है बल गुणा समय होता है, तो आवेग का मात्रक वही संवेग का है, तो देख लो फटाफट क्या आएगा, बल गुणा समय यानी न्यूटन गुणा सेकंड, या इसका मात्रक और क्या हो सकता है, न्यूटन गुणा सेकंड को हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, देखो आपको पता है एमवी, एमवी के अनुसार निकालो केजी मीटर प्रति सेकंड, यह भी हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, केजी मीटर प्रति सेकंड भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे नोट कर लो, केजी मीटर प्रति सेकंड या कह सकते हो न्यूटन सेकंड, ये सभी विद्यार्थी एक बार नोट कर लो, समझ में आ गया होगा सबके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय क्या होता है एम वी होता है, एम का मतलब केजी द्रव्यमान हो गया, वी का मतलब मीटर प्रति सेकंड, ऐसे आप नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले सभी विद्यार्थियों को बता दूं, जो भी विद्यार्थी हमसे इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे तो उन सभी विद्यार्थियों को बता दूं, जो भी विद्यार्थी पूरी टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं हमारी पूरी टीम के साथ, जो टीम आपके सामने डेडिकेटेड टीम है, आर्मी को सबसे समर्पित कोई टीम है तो एडू कृष्णा की टीम है, तो जिन्होंने भी एडू कृष्णा ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, यदि आप भी लाइव क्लास लेना चाहते हो पूरा टॉपिक वाइज हमारी टीम के साथ, जोश और जज्बे के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हो, घर बैठे आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हो, तो बिल्कुल आपके पास सुनहरा मौका है, हमारा जो कोर्स है 999 रुपए के अंदर मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेज मिलती है, टॉपिक वाइज आपकी लाइव क्लास मिलती है, अलग अलग फैकल्टी आपको पढ़ाती है, और होली पर तो स्पेशल आपको पता है टाइम आपको मिल रहा है 2-3 दिन का, तो आप फटाक से पीछे वाली क्लासेज का आप रिविजन कर सकते हो, 40 से ज्यादा आपको ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे, 25 नए मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, साथ में डाउट सोल्यूशन सेशन भी लगाई जाती है, तो जो भी विद्यार्थी अभी तक भी एडुकेशन ऐप पर नहीं जुड़ा है फटाक से लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जल्दी से डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो, और आपको ऐप के अंदर 20 से 25 टेस्ट बिल्कुल फ्री भी मिल रहे हैं, उनका भी आप फायदा उठा सकते हैं, तो अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ऐप एक बार जरूर डाउनलोड कीजिएगा, डेमो वगैरह देखिएगा, अच्छा लगता तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं, तो एडू कृष्णा ऐप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेना, और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी तरह की आपको दिक्कत आती है ऐप के अंदर तो इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, और मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे देता हूं, कोई भी तरह की दिक्कत आपको आए तो मेरे को खुद को भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार है, आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी, आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी, तो वो आपको बताऊंगा कार्ल लेनस्टीन ने की थी, तो देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। विलियम हार्वे की जब बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी, यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 28 नंबर, फटाफट सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब दे पाएंगे। तो आपको क्या दिया है, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र आपको बताऊंगा H3PO4 होता है, क्या होता है दोस्तों H3PO4 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बिल्कुल बी वाला होगा। अब बता दो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HCl होता है। नाइट्रिक अम्ल याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल कई बार पूछा गया, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल की जब बात आती है तो HNO3 होता है, ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र कई बार पूछा गया है। HCl की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो H2SO4 होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है एक फेराडे। देखो फेराडे, अब फेराडे किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कोई है तो फेराडे है, और आवेश का ऐसा ही मात्रक की बात करें तो कुलोम है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? कुलोम होता है। तो एक फेराडे में कितने कुलोम होते हैं? 96,500 कुलोम होते हैं। 96,500 देख लो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा, एकदम आराम से कर सकते हैं। जबकि यदि मैं बात करूं विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, नोट कर लो सभी बच्चे, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है तो फेरेड होता है। बात करें तो क्या होता है दोस्तों? फेरेड होता है। देखो फेरेड अलग है और फेराडे अलग है, कंफ्यूज मत कर देना, एक जैसे नाम है, मिला मत देना इनको। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। आकाश में बिजली, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मैं तो एक बात कहता हूं, आकाश में बिजली उत्पन्न होती है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुल मिला के हम कह सकते हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड कह सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, आराम से कर सकते हैं। यह क्या है? यह हास्य गैस का सूत्र है। हास्य गैस के सूत्र की बात करें तो यह क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हास्य गैस के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये हंसाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये हंसा देती है किसी भी व्यक्ति को, तो इसे हास्य गैस कहते हैं। देखो वैसे देखा जाए तो N2 आपको नहीं देना चाहिए था, केवल NO देना चाहिए था, या दोनों देते तो कई बार आपको दोनों के अनुसार एक ऑप्शन आपको करना पड़ता है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा वरीयता NO को मैं दूंगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड को दूंगा। नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकती है बिजली चमकने पर कोई, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयुक्त रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक बनते हैं आपको पता है, तो वैसे ऑप्शन दोनों नहीं देने चाहिए, लेकिन दोनों जब मिले तो यही आपको ऑप्शन करके आना है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके मैथ के पाठ की, हम शुरुआत करते हैं, बहुत ही जबरदस्त लेवल की क्लास होने वाली है, मैथ से बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप जिस जगह देख रहे हो इसका मतलब यहां मैथ श्योर समझ में आएगा, एक बात आपको कह दूं, क्योंकि एकदम आसानी से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। और जो बच्चा बिल्कुल भी मैथ में कमजोर है तो हमारा जो लाइव बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जीरो लेवल से बेसिक लेवल से आपको पूरा मैथ करवाया जा रहा है, पूरा GK करवाया जा रहा है, साइंस करवाया जा रहा है, पीछे के सारे पेपर आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? राम रहीम तथा कृष्ण किसी काम को 10-15 और बात कर लेते हैं 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि तीनों मिलकर इस काम को करे तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? एकदम आसान है, पहले बात कर लेते हैं राम बिल्कुल, फिर कौन है? रहीम है, और फिर कौन है? कृष्ण है। अब देखो आपको क्या दे रखा है, राम कितने दिन में करे? 10 दिन में। फिर बात कर लेते हैं रहीम की बात करें तो कितने दिन में? 15 दिन में करे, और कृष्ण की बात करें तो कितने दिन में? 18 दिन में कर रहा है, यह आपको दे रखा है। अब एक्चुअली बात क्या होती है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको पहले LCM लेना पड़ता है, जब भी मिलाकर करे, एक चला जाए एक और आ जाए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या लेना है? LCM लेना है। तो फटाक से LCM ले लो सभी बच्चे, LCM कितना आएगा फटाफट देख लो कितना आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 180 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 180 आपका LCM आ गया। अब 180 में भाग दे दो फटाफट, किसका? 10 का दो 18 बार, 10 का कितनी बार गया? 18 बार। फिर आपको पता 15 का दे दो, 15 एकम 15 दूनी 30, बिल्कुल 12 बार। आगे बात कर लेते 18 का कितनी बार जाएगा? 10 बार। अब आपको क्या करना है, दोनों तीनों को मिलाकर काम करवाना है, इसका मतलब राम प्लस रहीम प्लस कृष्ण तीनों को मिलाकर आपको काम करवाना है, तो बताओ क्या करोगे? 180 बटा 18 प्लस 12 प्लस 10, फटाफट कर दो भाई, कितना? 180 बट्टे में ऐड करो, बताओ भी कितना आएगा? 30 10 40, यह काटापिटी आप कर दो, शून्य से शून्य आपका कट गया, 9/2 आपका जवाब आएगा। तो आपका कितना दिन आएगा? 9/2, या मैं कह सकता हूं 4.5 दिन। कितना दिन आएगा दोस्तों? 4.5 दिन। अब आप ऑप्शन में देख लो, 4.5 दे रखा है या 9/2 दिन दे रखा है, फटाफट देखो भाई, तो 9/2 दिन बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी वाला राइट होगा, एकदम आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बढ़िया शानदार भाई। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। एक वृत्त का व्यास आपको दे दिया, व्यास 28 मीटर है, तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी? अब रेडियस का मतलब क्या होता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, रेडियस का मतलब त्रिज्या होता है, त्रिज्या यानी आर कितनी होगी? आर 14 मीटर होगी, क्योंकि व्यास आपको दे रखा है, त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है दोस्तों? आधी होती है। अब एक्चुअली आप क्या करोगे, आपको क्या निकालना है? उसका वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो सबको आता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको बताओगा? पाई आर स्क्वायर होता है, तो फटाक से कर दो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7
गुणा आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी 14 × 14 आपको करना है। फटाफट कर देते हैं, 14 × 14। और एक बात बता दूं, जो कट रहा है उनको काट देना आराम से, 7 से काट दो, 2 बार। अब आपको पता है 22 × 14 = 28, कर दो 28 से, तो आपको पता कितना आएगा 616। और क्या आने वाला है, क्षेत्रफल है इसका मतलब मीटर स्क्वायर, तो 616 मीटर स्क्वायर आपका जवाब आएगा। एकदम आराम से कर सकते हो, देख लो भाई कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, अगला 33 नंबर आपके सामने आ चुका है। 10, 16 और 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है। अब देखो जब भी छोटी संख्या की बात करें, पहले बात तो सबसे छोटी दे दिया ना, छोटी का मतलब एक बात तो कन्फर्म हो गया, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, इतने बात तो कन्फर्म होगी। और जिनका जोड़ा नहीं बने ना उनका जोड़ा बना देना भाई, ध्यान देना। तो आपको पता है 10, 16 और 24 फटाफट करते हैं, 10, 16 और 24 कैसे करते हैं अभी तरीका बता देता हूं। देखो एक्चुअली में सीधा कहता ना कि भी इनका भाग जाना चाहिए, छोटी छोटी संख्या बताओ तब तो हम एलसीएम करते, लेकिन यहाँ एलसीएम में जोड़े भी बनने चाहिए क्योंकि वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। वर्ग होने का मतलब दो दो के जोड़े बनने चाहिए, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसके साथ हम मिला के जोड़ा बना देंगे, ठीक है ना। अब कैसे बनाएंगे अभी देखना आप सामने। पहले देखो 2 का भाग दे दो, कितनी बार गया, 5 बार, 8 बार, 12 बार। 2 का वापिस दे दो, 5, 4, 6। 2 का वापिस दे दो, 5, 2, 3। आगे 2 का वापिस दे दो, 5, 1, 3। अब 3 का दे दो और 5 का दे दो, 1, 1, 1। अब आपको क्या करना है, देखो एक बात बता देता हूं, आपको पता है क्या दे रखा है, बताओ भाई, 2 × 2 × 2 × 2। इसका मतलब इनका तो जोड़ा बन गया भाई, इनका तो जोड़ा बन गया। अब जोड़ा किन का नहीं बन रहा, फटाफट देखो भाई जोड़ा किन का नहीं बना है, 3 अकेला ही है, 3 अकेला, इसका मतलब एक 3 को हम साथ में मिला देते, इस 3 को हमने अपनी तरफ से ले लिया क्योंकि वर्ग बनाने का मतलब 3 भाई एक और लगाना पड़ेगा, तो 3 हमने एक और लगा दिया, ये हमारी तरफ से बना दिया जोड़ा बनाने के लिए। आगे बात कर लेते क्या करोगे, 5 अकेला ही है ना, 5 अकेला है, 1, 5 हम हमारी तरफ से लगा देते क्योंकि वर्ग बनाने का मतलब अभी 5 एक और होना चाहिए, एक और होना चाहिए, तो हमने चक्के ले आए भाई, आ जाओ जोड़े बना देते आपके, फटाफट कर दो भाई। अब आप क्या करोगे बताओ, ये कितना हुआ, 4, यानी हम बात कर लेते 16 क्या, 16 × 9 × 25 फटाफट कर दो, कैसे जवाब आएगा आपका। तो एक बार देखो 16 नमांगी कर दो, या ऐसे कर दो आप 25 से गुणा कर दो, तो 16 × 25 = 225। अब गुणा कर दो फटाफट, 16 से गुणा करोगे तो 16 × 5 कितना होता है, 80 होता है, कितना होता है, 80 होता है। देखो गुणा हमने कर दिया भाई, 2 × 2 = 4, 4 × 4 यानी 16 हो गया, फिर 9 आपको बताया 3 × 3 = 5, 5 = 25 हो गया, इतना ही काम किया, कोई अलग काम नहीं किया है, गुणा तो आप भी कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 16 × 5 = 80, 80 + 8 = 32, 8 कितना हो गया, 40, 80 + 4 = 32, 4 कितना हो गया, 36। तो आपका जवाब आएगा 3600, कितना आएगा दोस्तों, 3600 आएगा। देख लो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बिल्कुल सी वाला राइट होगा, एकदम आराम से निष्फिक्र होकर क्वेश्चन को फोड़ सकते थे, और ऐसा क्वेश्चन कई बार आर्मी में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते, अगला है एक आयत की लंबाई आपको दे दी, लंबाई कितनी दी 15 मीटर और चौड़ाई कितनी दी 17। वैसे देखा जाए तो लंबाई और चौड़ाई भी, चौड़ाई ज्यादा कब होने लगी, चलो कोई बात नहीं, अगले ने दे दी तो हम ले लेते भी, क्या फर्क पड़ेगा। कई बार इस तरह की नॉर्मल मिस्टेक आती है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वैसे तो देखा जाए लंबाई बड़ी होगी चौड़ाई छोटी होगी, लेकिन अगले ने जब लिख ही दिया इतना काम अगले ने कर ही लिया तो फिर हमें क्या दिक्कत, अभी कर देंगे। लंबाई कितनी दी 15 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई कितनी दी 17 सेंटीमीटर दी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगला कह रहा है कि चौड़ाई ज्यादा है लंबाई से, क्या दिक्कत है भाई, वैसे देखा जाए लंबाई ज्यादा होती है, लेकिन इस पे आप मत करना कमेंट कि इस तरह आपने गलत दे दिया। देखो कई बार इस तरह के आंकड़े आ जाते हैं, पेपर में भी आ जाते हैं, ये छोटी मोटी गलती, और कई बार क्या होता है टाइपिंग में भी मिस्टेक हो जाती है, तो वो आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो फटाफट कर दो 15 × 17, 70 × 85 = 8, 17 × 8 कितना हो गया 25, यानी 255। और क्या आएगा देखो, सेंटीमीटर का क्या आएगा स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर का क्या आएगा स्क्वायर आएगा, तो आपका ये क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया, तो 255 देख लो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट होगा, एकदम आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते, यदि किसी संख्या का 52% 52% 182 है तो वह संख्या क्या है, इसका मतलब
52% की वैल्यू कितनी दे दी आपको? आपको दी 182, बिल्कुल दे रखी है। अब आपको क्या करना है, आपको 1% की वैल्यू निकालो पहले, तो कितना आएगा 182/52, बिल्कुल आएगा। अब आपको चाहिए क्या, वो संख्या चाहिए, संख्या का मतलब 100% की वैल्यू चाहिए, तो फटाफट कर दो, संख्या का मतलब क्या हो गया, 100% की वैल्यू आपको चाहिए, तो फटाफट कर दो 100 से गुणा, 182/52 गुणा में 100 कर दो। अब आपको क्या करना है, एक्चुअली कोई कट रहा है तो काट दो, कैसे काटोगे बता देता हूं आपको। पहले तो आप 2 से काट दो, 2 से काट दो, या जो भी आपको अच्छा लगे, 26 बार कटा 2 से, 2 से काटा 9 और 91। अब आपको पता है 13 से कट रहा है, 13 से कट रहे, 13 7 91 होता है, इसका मतलब 13 से काट देता हूं, 13 7 91, 13 2 26, अब काट दो 50 बार, 7 × 50 का मतलब आपका जवाब कितना आएगा, 350 आएगा। दोस्तों आपका जवाब कितना आएगा, 350 आएगा, एकदम आराम से आप कर सकते थे, तो 350 यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ रखा है, तो बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एकदम आराम से कर देना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, 36 नंबर, 12/15 को प्रतिशत में चेंज करो, तो ये लिखा 12/15 प्रतिशत, यानी गुणा में क्या लगा दो, 100 लगा दो, और क्या करना है भाई, 100 ही तो लगाना है गुणा में प्रतिशत में चेंज करने के लिए, तो फटाफट काट दो। पहले तो मैं काट देता हूं 3 से, कितनी बार कटा दोस्तों, 4 बार, 3 से कितनी बार, 5 बार, अब 5 से काट दो 20 बार, इसका मतलब ये कितना आएगा, फटाफट देख लो 80, जवाब कितना आएगा दोस्तों, 80% आपका जवाब आएगा, एकदम आराम से कर लो, तो 80% यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस फटाफट आपको कर देना था काटा पीटी। आगे बात कर लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जवाब देने की सभी विद्यार्थियों को कोशिश करनी है। क्या दे रखा है, अनिल को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, 40% अंक उसको पास होने के लिए चाहिए। अब क्या हुआ, अनिल ने 178 अंक प्राप्त किया, कितना, 178 अंक प्राप्त किया, तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण होने का मतलब फेल हो गया। अब देखो पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, 40%, और 40% अंक की वैल्यू क्या है बताओ। आप कहोगे सर उसको 178 मिले, यदि उसको 22 और मिलते ना तो वो पास हो जाता, इसका मतलब ये कितना हो गया, 200। भाई हम कह सकते हैं कि पास होने के लिए 200 अंक चाहिए, भाई 178 तो उसको मिल गया, 22 से फेल हो गया, यदि उसको 22 अंक और मिल जाते, यदि 178 में 22 जोड़ते तो 200 अंकों से पास हो जाता, पास मार्किंग कितने की है, 200 अंकों की है, और प्रतिशत में पास मार्किंग कितनी है, 40% की है, इसका मतलब 40% का मान 200 अंक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलोगे सर 200/40 कर दो फटाफट काटा पीटी, 0 से 0 5 5 अंक, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 5 अंक है। आपको कह रहा पूर्णांक बताओ, पूर्णांक कितना होगा, 100% होगा, बिल्कुल 100% की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप कर दो 5 × 100, आपका जवाब आएगा 500 अंक, कितना आएगा दोस्तों, 500 अंक आएगा। ऐसा क्वेश्चन तो आप चुटकियों में उड़ा देना चाहिए, एकदम आसान है। चलिए दोस्तों 500 अंक आपका जवाब आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी वाला राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट जवाब देना है, सूत्र आपसे पूछा है, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गोले में वैसे संपूर्ण क्षेत्रफल कह दो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, क्योंकि सारा वक्र ही होता है आपको पता है, तो गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, 4πr² होता है। अब बता दो गोले का आयतन क्या होता है, कई बार पूछे गए गोले का आयतन, तो वो क्या होता है, 4/3, याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आयतन का सूत्र कई बार पूछा गया तो वो भी आपको नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, अगला बहुत ही शानदार, 80 का 80% कितना होता है, इसका मतलब सीधी सी बात है, 80 का मतलब गुणा 80%, यानी बट्टे में क्या लगाना है, प्रतिशत हटाना है, 100 लगाना है, बिल्कुल काटा पिटी आप कर दो, दोनों शून्य काट दो, 8 × 8 कितना हो गया, 64, तो आपका जवाब कितना आएगा, 64 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बिल्कुल सी वाला राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जबकि ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो फटाफट बताओ इसका जवाब क्या होगा, 80 का 80 कितना प्रतिशत है, ये बताओ फटाफट कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन अलग है, तो आपको पता इसका मतलब आपको प्रतिशत में उत्तर मांग रहे हैं, गुणा में 100, इसका मतलब का मतलब भाग है, इसका सॉल्यूशन करो फटाफट, तो आपको पता है ऐसा क्वेश्चन आए तो का जिसके आगे लगा वो बट्टे में आएगा और 80 ऊपर आएगा, प्रतिशत में चेंज करना है गुणा 100, तब आपका जवाब आता है इसका 100%, इसका 100% जवाब आता है, ये क्वेश्चन अलग है और वो अलग है,
कंफ्यूज मत हो जाना, एक मत कर देना, मिला मत देना दोनों क्वेश्चनों को। कई बार इस तरह का आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि जो बच्चा लैंग्वेज समझता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, परसेंटेज के अंदर हमने पूरा बेसिक से करवा रखा है एप के अंदर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला तो एकदम आसान है, पॉइंट अठाना है, आपको कितना दिया 60 पॉइंट, कितना 075। पॉइंट अटने का मतलब पॉइंट के आगे तीन अंक है तो तीन शून्य लगा दो, 675 बट्टे में कितना तीन शून्य लगा दो फटाफट, तो देख लो कौन सा 675, 675 बट्टा तीन शून्य लगाना है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बिल्कुल भाई बी राइट होगा, बी राइट होगा ना, तीन अंक है पॉइंट के आगे तो तीन शून्य लगा दो, तीन इसमें यह बाकी में आपको पता ज्यादा कम वगैरह है तो एकदम आराम से कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने दे रखा है, क्या है? यदि एक कक्षा में 60% लड़के हैं, बॉयज कितने हैं दोस्तों? 60% है, ये लिख देता हूं मैं, बॉयज, बॉयज कितने हैं दोस्तों? 60% है, बिल्कुल। आगे क्या दे रखा है? तथा लड़कियों की संख्या, पहले बताओ प्रतिशत में लड़कियां कितनी होगी, गर्ल्स कितनी होगी? 40% होगी, इतना तो बात आप समझ ही गए होंगे, 40% क्या होगी, लड़कियां होगी, क्योंकि 60% लड़के यानी बॉयज है। अब बताओ आपको क्या दे रखा है, लड़कियां 240 है, लड़कियां वैसे कितनी, अभी लड़कियां वैसे कितनी है तो आपको पता है 40% है, तो 40% की वैल्यू कितनी दे दी आपको, कितनी दी भी 240 दी, फटाफट कर दो, 1% की वैल्यू आएगी 240 बट्टा 40, कितना 6 आया क्या, 6 आया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लड़के कितने हैं, बॉयज कितने हैं, बॉयज प्रतिशत में कितने अभी फटाफट बता दो, 60% है, तो बताओ क्या करोगे, 6 × 60 कर दो, कितना आएगा 360 आपका जवाब आएगा, बॉयज कितने हैं दोस्तों 360 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए राइट होगा। जबकि आपको कहता टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, तब आप 100 से गुणा करते, टोटल विद्यार्थी की बात करता 600 आता, यह भी आप नोट कर लेना, टोटल विद्यार्थी कहता ना टोटल कितने है? टोटल विद्यार्थी की बात करता तब आप 600 करते, क्योंकि 6 × 100 करते, 100% की वैल्यू चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट जवाब दो, कितने समय में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर, दर कौन सी है, वार्षिक है, तो आपको बताना है 450 रुपए हो जाता है। पहले बात कर लेते मूलधन कितना है, यहां जो दे रखा है वो बता देता हूं, यह आपका मूलधन है, बिल्कुल है मूलधन, यह आपकी क्या है, दर है, और यदि मैं बात करूं यह क्या है, यह आपका साधारण ब्याज है, बिल्कुल है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात आपको करना है कितने समय, समय ज्ञात करना है, समय बराबर क्या होता है, फटाफट साधारण ब्याज वाला सूत्र लगा दो, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बट्टे में हम लगाते हैं मूलधन गुणा, मूलधन गुणा दर, तो फटाफट लगा दो जो कुछ भी आपका उत्तर आएगा, लेकिन यह उत्तर वर्ष में आएगा, महीने में चेंज करने के लिए हम 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि सारे उत्तर मेरे को महीने में नजर आ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। चलो ब्याज कितना हुआ भाई, ब्याज आपका हो गया 450 गुणा 100 और बट्टे में कितना 10,000, तो मूलधन है बिल्कुल, एक मिनट थोड़ा सा सही लिख देता हूं भाई। अब बात कर लेते गुणा में दर कितनी, अच्छा है, अब जो भी है ना काटा पिट्टी आप कर दिया करो भाई, काटा पिट्टी कर देते भाई, ये 2 शून्य काट दो बिल्कुल, ये 1 शून्य काट दो, अब क्या करो 5 से काट दो फटाफट, 5 से कितनी बार, 9 बार कटा, 5 से 2 बार, अब आप 3 से काट दो 2 बार और कितनी बार, फटाफट देखो भाई कितनी बार, 3 से 3 बार, इसका मतलब 3/4, 3/4 वर्ष आपका आ गया, वर्ष में कहे तो 3/4 आ गया, लेकिन आपको तो महीना में चाहिए, तो 12 से गुणा कर दो, 3/4 × 12 कर दो, तो ये कितनी बार कटेगा, देखो भाई कितनी बार कटेगा, ये 4 से 3 बार, तो 3 × 3 का मतलब हम कहेंगे 9 महीने, कितना महीना भाई, 9 महीने के लिए उन्होंने क्या दिया है, ब्याज दिया, महीना भी अलग ही तरह का है, तो आप एकदम आराम से कर सकते हो, महीना कितना है, 9 महीना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, 9 माह है आपका जवाब होगा, एकदम आराम से कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, रमेश एक कार्य को 4 घंटे में करता है, अनिल तथा मुकेश मिलकर, चलिए मैं एक बार बात कर लेता हूं, जो जो चीज आपको दे रखी है वो लिखते हैं, पहले बात कर रखा है रमेश एक काम को 4 घंटे में करता है, ये मैंने लिखा रमेश, और कितना दिया भाई 4 घंटे में करता है, ये मैंने लिख दिया 4 घंटे, आगे क्या दे रखा है अनिल तथा मुकेश मिलकर, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, अनिल प्लस मुकेश मिलकर कितने घंटे में कर रहे हैं, मिलकर 3 घंटे में कर रहे, बिल्कुल ये 3 घंटा मैंने लिख दिया, 3 घंटे लिख दो भाई, 3 घंटे में करे, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है रमेश तथा मुकेश मिलकर 2 घंटे में, रमेश तथा
मुकेश मिलकर कितने में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अभी, कितने घंटे में, 2 घंटे में करते हैं। अब आपको जो भी पूछा जा रहा है एक बार फटाक से निकाल लेते हैं। पहले एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 12 आएगा, तो 12 में भाग दे दो फटाफट, 12 में 4 का दोगे 3 बार, 12 में 3 का दोगे 4 बार, फिर बात कर लेते, फटाफट कर लो भाई, 6 बार क्या? बिल्कुल 6 बार। अब क्या करना है, अब बच्चों के समझ में नहीं आ रहा सर, अब करना क्या है, तो एकदम आसानी से मैं तरीका बता देता हूँ, ये माइक थोड़ा सा है ना मुश्किल कर रहा है भाई, चलो बताओ। तो आपको क्या करना है, फटाफट कर दो भाई। तो अनिल अकेला उस काम को कितने में करेगा, अनिल अकेला, अनिल किस में है, देखो भाई अनिल आपको किस में नजर आ रहा है, फटाफट देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन गया। अनिल किस में है, अनिल भाई ये रहा अनिल। अब आप क्या करोगे, देखो भाई यदि मैं बात करूं इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़े तो अनिल मुकेश और रमेश आ रहा है, मुकेश और रमेश घटा देंगे तो केवल अनिल ही बचेगा। तो मैं ये कहता हूं इन दोनों को तो जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है और ये घटाना है, तो किसका आ जाएगा, आपका आ जाएगा अकेला अनिल का, अनिल का ही तो ज्ञात करना है। अनिल का किस लिए ज्ञात होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो अनिल मुकेश और रमेश तीनों आएंगे, मुकेश और रमेश घट जाएगा, अनिल ही बचेगा। तो हम क्या कर देते हैं बताओ, 12/2 इन दोनों को जोड़ो, 3 + 4 - 6, तो फटाफट कर दो, 12 7 - 6 यानी 1, 12/1 यानी आपका जवाब आएगा 12, कितना आएगा दोस्तों 12 आएगा। तो फटाफट देख लो 12 कौन कौन बता रहे, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, एकदम आराम से कर सकते थे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 44 नंबर, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में करते हैं, इसका मतलब MDH वाला क्वेश्चन है। आगे देखो 8 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो फटाफट कर दो MDH/W लगा दो भाई, कैसे लगाओगे, पहले बात कर लेते हैं 12 पुरुष 24 दिन में करे, बिल्कुल 12 × 24 लगा दो, बराबर 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, आस गुणा डी आपको ज्ञात करना है, तो फटाफट कर दो भाई, किस से कट रहा है, 8 से काट दो, 8 × 3 = 24, तो डी बराबर आएगा 12 × 3, भारतीय यानी कितने हो गए 36, डी बराबर आएगा 36, कितना आएगा डी का मान आपका आ गया 36 दिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी वाला राइट होगा, एकदम आराम से कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, फटाफट कर दो भाई, क्या करना है, गुणा ही तो करना है, 25 × 3.25 फिर 50.4 / 24, अब देखो कैसे करोगे, एक बार मैं हिंट आपको दे देता हूं, पहले बात पहले तो भाई भाग ही हल करेंगे, अब भाग हल कर देते हैं, 25.3.25, भाग को करने का आसान तरीका बता दूं क्या, 50.4 पट्टे में मैंने लिख दिया 24, अब एक्चुअली क्या होता है, पॉइंट हटाने का तरीका आपको आना चाहिए, मैंने बता रखा है, तो बताओ कैसे हटाते हैं पॉइंट को, पॉइंट को हटा दो भाई, पॉइंट को हम हटा देते हैं, बट्टे में शून्य लगा देते, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटाना सबको आता है। अब देख लो कट किस से रहा है, 4 से कट रहा है, बिल्कुल 4 से कट रहा है, 4 से फटाफट काट दो, पहले काट देता हूं 4 से, कितनी बार, 4 × 4, फिर बात कर लेते कितना, 1 = 4 × 8, फिर बात कर लेते 6, 4 से काटा कितनी बार, 6, ये कट गया बिल्कुल। अब किस से कट रहा है, 6 से कट रहा है ना, बिल्कुल 6 से कट रहा है, तो फटाफट 6 से काट दो, 6 × 12 और 1 बार बिल्कुल, ये 6 से 10 बार, तो ये आपका जवाब आएगा 25 × 3.25, बिल्कुल 3.25 और प्लस में कितना, ये आपको बताया 10 का भाग देंगे, 2.1 आ जाएगा, बिल्कुल 2.1 आ जाएगा। अब फटाफट कर दो, एकदम आसान हो जाएगा, 25 से गुणा करना तो सबको आता है, 25 का फाड़ा तो आता है, ये भी और नहीं आता तो कोई बात नहीं, तो कर देते भाई, कैसे करोगे, 25 से गुणा कर दो, 25 × 5 कितना हो गया, 125 हो गया, 80 लगी 12, 80 लगी 12, फिर बात कर लेते 50 और 12 कितना हो गया, 62 क्या, 80 लगी 6, और आपको पता है 75 × 6 कितना हो गया, 81 क्या, 81, ये हमने लगा दिया पॉइंट, लगा दिया क्योंकि 2 अंक पॉइंट था ना, 1 मिनट भाई, 2 अंक पॉइंट था, तो फटाफट कर दो, क्या कुछ आपका जवाब आएगा, तो ये आएगा 2.1। तो इस क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ टाइपिंग मिसप्रिंट रही हुई है, ऑपरेटर ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया होगा टाइपिंग करते वक्त, तो आप जोड़ दो फटाफट, ये आएगा कितना, 83.35 आएगा, 83.35 आपका जवाब आएगा, ये मेरे हिसाब से थोड़ी टाइपिंग मिसप्रिंट कर रखी है, या तो उन्होंने पॉइंट लगाने में कहीं मिस्टेक कर दिया, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है टाइपिंग की वजह से मिस्टेक हो जाता है, बाकी आप एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं हो, तो एक बार गुणा करके सभी बच्चे चेक कर लो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मैं बता ही देता हूँ भाई एक बार, वैसे सही किया कोई दिक्कत नहीं, कई बार हो जाती होगी, 25 × 3.5 3.25, तो 81.25 किया, बिल्कुल सही है, और आपको बताया ये हमें क्या देना था, भाग देना था, भाग दे के भी देख लेते 50.4, कहीं भी मिस्टेक तो नहीं कर दिया हमने,
तो 2.1 बिल्कुल, हमने कोई मिस्टेक नहीं की है। तो फिर ये मिस्टेक टाइपर ने की, अभी टाइपर को आज थोड़ा सा और मार देंगे क्योंकि उन्होंने गलत कर दिया। तो इनके अनुसार ऑप्शन नहीं होगा, आप ऐसे लिख लो, ये आपका उत्तर आएगा। ये जो भी मिस्टेक है आप सही कर लेना, मैं सही करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उत्तर आपका यही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आसान है। लेकिन थोड़ा सा क्या है, टाइपिंग मिसप्रिंट होगी होगी भाई, हो सकता है अगले ने यहाँ 504 लिखना था या पॉइंट वगैरह कहीं और होगा, तब मिस्टेक हो सकती है। लेकिन मैंने आपको तरीका बताया, बताओ तरीका समझ में आ गया सबके, कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। 46 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया, किससे गुणा किया, 4 से गुणा किया। आगे हम 6 से गुणा करके देखते हैं, गुणा 6 करते हैं तो कितना आता है, 6 से गुणा कर लो 240, बिल्कुल 240। 240 को आप 8 से गुणा करो, आ रहा है क्या, एक बार 0 32 हासिल लगी 3। फिर बात कर लेते 16 3, बिल्कुल हो रहा है। आगे बात कर लेते किससे गुणा कर रखा है, 8 से कर दिया, अब 10 से कर रखा है क्या, बिल्कुल 10 से कर रखा है। इसका मतलब सम संख्याओं का गुणा कर रहा है, तो आपका जवाब आएगा 240। कितना आएगा दोस्तों, 240 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम आराम से कर दोगे। यदि मैं बात करूं 9, ये देखो क्या है, यदि मैं बात करूं तो ये इसका क्या है, 8 गुणा है। अब देखो इसका मतलब इधर 8 से गुणा करे तो यहाँ क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए भाई, 17 होना चाहिए। 17 को 8 से गुणा करते 136 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, 9 को 8 से गुणा करते 72 आता है, 17 को 8 से गुणा करते 136 आता है। गुणा करके देख लो, 56 हासिल लगी, 5 8 5 13 बिल्कुल आ रहा है। तो एकदम आराम से आप कर सकते थे। चलिए आगे बात कर लेते 48 नंबर, क्या दे रखा है फटाफट बताओ भी, देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। एकदम आराम से कर लोगे, अंतर देखो कितने का है, अंतर आपका 15 का, कितने का होगा, 11 का, सॉरी अंतर कितने का है, 11 का है। फिर बात कर लेते क्या कर रखा है, यदि यहां मैं बात करूं तो क्या किया है, फटाफट देखो अंतर देख लो, 13 का, बिल्कुल। यहां अंतर कितने का है, 17 का है क्या, 11 के बाद 13 के बाद क्या आता है, 17 ही आता है ना, बिल्कुल 17 का अंतर है। यहां देखो 17 के बाद यदि मैं अभाज्य संख्या की बात करूं, ये सारी अभाज्य संख्या चल रही है, तो 19 आनी चाहिए, 19 जोड़ो भाई फटाफट, आ रहा है बिल्कुल सही है। अब 19 के बाद क्या जोड़ना पड़ेगा, 23 जोड़ना पड़ेगा, और यदि 65 + 23 आप करते हो ना, तो 8 8, यहाँ 88 आना चाहिए था, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, 88 आना चाहिए था। इसका मतलब 86 वाला पद आपका क्या है, गलत है, श्रेणी में गलत पद आपको बताना था, एकदम आराम से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एकदम आराम से कर लोगे, बहुत ही शानदार है। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके पिता मेरे पिता के, इसके पिता मेरे पिता के क्या है, एकमात्र पुत्र है। तो गोपाल गोविंद से किस प्रकार संबंधित है, यह आज एक रिलेशन का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देता हूं होमवर्क का, ताकि बच्चे कमेंट कर पाए ज्यादा से ज्यादा, और इस कमेंट के साथ आपको अपना स्कोर भी कमेंट करना है, ताकि पता चले भी कितना स्कोर बच्चों के आ रहा है। तो यह आपका होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अन्य 3 संख्याओं से भिन्न है। तो बताओ ये 5 9 23 37 कौन सी भिन्न है, फटाफट देखो। तो आपको बताए ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भाज्य है, या कह सकते भाज्य भी है और पूर्ण वर्ग भी है। तो दोनों ही काम बन रहे हैं, भाज्य भी है और पूर्ण वर्ग भी है, बाकी कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब भिन्न कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, आपको कैसी लगी, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद का मैसेज लिखो, और बताओ भाई इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, और जो मैंने होमवर्क दिया था उसका भी आपको जवाब देना है। और जो विद्यार्थी जिसका गणित कमजोर है या बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं है, यदि वो टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो आप एडुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो, उसके अंदर पीछे के आए हुए सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, लाइव क्लासेज मिल जाएगी 999 रुपए के अंदर, पूरा आपको बैच मिल रहा है, लाइव क्लासेज मिल रही है, पीछे के पेपर मिल रहे, 40 से ज्यादा पेपर आपको कहीं नहीं मिलने वाले, 25 आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, नवीनतम पैटर्न, और डेली लाइव क्लासेज 5 से 6 घंटे आपकी चलती है। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है जरूर जुड़ेगा, बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी हो, हमारी टीम एडुकृष्णा करवाएगी। तो जिन्होंने भी एडुकृष्णा ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, फटाक से आप प्ले स्टोर पर जाइए और एडुकृष्णा ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हो। पूरी एडुकृष्णा टीम के साथ आपको बताए, हमारी टीम पूरी डेडिकेटेड टीम है, जो आर्मी की स्पेशलिस्ट टीम है, जिसके द्वारा आपको आर्मी का पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा पेपर में। हम तो कहते हैं हमारा पढ़ाया हुआ पीछे कोई भी एग्जाम आप उठा के देख सकते हो, लगभग 95% से वो हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आते हैं पूरी, क्योंकि आपको पता है हमारी एडुकृष्णा टीम है वो पीछे से कई सालों से इस क्षेत्र में वर्क कर रही है, आर्मी के क्षेत्र में वर्क कर रही है। तो इस टीम के साथ जुड़ने का आपको शानदार मौका मिल रहा है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, एक बार आप एडुकृष्णा ऐप डाउनलोड
डाउनलोड करके हमारा परिणाम भी आप देख सकते हैं, हमने पोस्टर लगा रखे सारे, तो जरूर जुड़िएगा हमारी एक्सपीरियंस जो टीम है उसके साथ। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।